हेलो स्टूडेंट, आज हम अल्कोहल बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम विधि एल्किनों के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण। जब एल्किन की मर्क्यूरिक एसीटेट एवं जल के साथ अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF में करवाते हैं तो हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरिक यौगिक बनते हैं। इस अभिक्रिया को ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। यहाँ पर एल्किन के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट एवं जल की अभिक्रिया THF की उपस्थिति में हो कराने पर हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरिक यौगिक बनते हैं और इन यौगिकों की सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वी मर्क्यूरीकरण भी कहते हैं। इसमें मर्करी का निष्कासन होता है, अतः इसको वी मर्क्यूरीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में एल्किन के डबल बॉन्ड पर जल के एक अणु का मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार योग होता है। नेक्स्ट रिएक्शन एल्किनों पर हाइड्रोबोरीकरण द्वारा, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन। एल्किनों पर डाइबोरेन की योगात्मक क्रिया को हाइड्रोबोरीकरण कहा जाता है। जब एल्किनों पर डाइबोरेन की अभिक्रिया कराई जाती है तो ट्राई एल्किल बोरेन बनते हैं। अभिक्रिया तीन पदों में, तीन स्टेप में संपन्न होती है तथा योग एडिशन मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार होता है। बोरान इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ करके ऑर्गेनोबोरेन बनाते हैं। एल्किन के साथ BH3 बोरेन की अभिक्रिया से यहाँ ट्राई एल्किल बोरेन बनते हैं और जब इस ट्राई एल्किल बोरेन की अभिक्रिया क्षारीय हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 से कराते हैं तब कार्बन बोरान बंध का ऑक्सीकरण हो जाता है और एल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, ट्राई एल्किल बोरेन की अभिक्रिया यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड से कराते हैं तो हमें यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। BH3 बोरेन अस्थायी होने के कारण डाइबोरेन B2H6 के रूप में स्थायित्व प्राप्त करता है। नेक्स्ट अभिक्रिया एल्किन का जलयोजन। अम्ल की उपस्थिति में एल्किन के डबल बॉन्ड पर जल के एक अणु का योग मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार होता है जिससे उसके संगत एल्कोहल की प्राप्ति होती है। अर्थात एल्किनों को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एल्किनों का हाइड्रेशन जलयोजन हो जाता है। यदि यहाँ हम प्रोपीन का जलयोजन करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। केवल एथीन से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एल्कोहल एथेनॉल प्राप्त होता है। अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेप फर्स्ट अम्लीय माध्यम में जल का प्रोटोनेशन प्रोटोनीकरण होने से इलेक्ट्रोफाइल H3O+ का निर्माण होता है। H2O है, इसका प्रोटोनेशन हो रहा है जिससे यहाँ पर H3O+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। स्टेप सेकंड में यहाँ पर एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन का H3O+ के साथ योग होकर के कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता है। यह स्टेप मंद स्लो स्टेप होता है जिसके कारण इसको हम गति निर्धारक पथ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन पर जल का योजन ऑक्सीजन के लोन पेयर द्वारा होने के उपरांत प्राप्त आवेशित एल्किल ऑक्सोनियम आयन एक प्रोटॉन को निष्कासित करके अंतिम स्टेप में उदासीन एल्कोहल के अणु में परिवर्तित हो जाता है। और यदि कार्बोकेटाइन के रिएजमेंट द्वारा अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण संभव हो तो इस प्रोसेस द्वारा हमें अपेक्षित उत्पाद के स्थान पर अधिक स्थायी उत्पाद बनता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एल्किन के जलयोजन में पुनर्विन्यास रिअरेंजमेंट भी होता है। यदि इस कार्बोनियम आयन का रिअरेंजमेंट संभव है तो ये अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। जैसा कि इस उदाहरण में हम देख रहे हैं, यहाँ पर
3,3-dimethyl-1-butene के जल योजन से मुख्यतया 2,3-dimethyl-2-butanol मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जबकि 3,3-dimethyl-2-butanol बनना चाहिए था। नेक्स्ट विधि गिरनार अभिकर्मक द्वारा। गिरनार अभिकर्मक जिनका सामान्य सूत्र RMGX होता है, यहाँ पर R एल्किल समूह है, X हैलोजन है। गिरनार अभिकर्मक के द्वारा हम प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। तो इस अभिकर्मक की ऑक्सीजन से या कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। RMGX गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और इससे बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जब जल अपघटन करते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल बनता है। जब गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं और इससे बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि यहाँ हम RMGX गिरनार अभिकर्मक CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड युक्त करें और इसकी अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराएं तो इससे बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जल अपघटन करने पर हमें यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल के रूप में एथेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटाइलडिहाइड से कराते हैं और इस अभिक्रिया से बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जल अपघटन कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि यहाँ CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड युक्त करें और इसकी अभिक्रिया एसिटाइलडिहाइड से कराएं, इससे बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जल अपघटन करने पर हमें यहाँ द्वितीयक एल्कोहल के रूप में 2-प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। जब गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन से करवाते हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जल अपघटन कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में टर्शियरी एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। यदि यहाँ CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड युक्त किया जाए और इसकी अभिक्रिया एसीटोन से कराया जाए तो इन दोनों के रिएक्शन से बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जल अपघटन कराने पर हमें यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल के रूप में 2-methyl-2-propanol उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। क्षार के जलीय विलयन या नम सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया से सह उत्पाद को प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन भी प्राप्त होते हैं। अर्थात हम एल्किल हैलाइड को जब जलीय क्षारों के साथ गर्म किया जाता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जिससे एल्कोहल बनते हैं। यदि यहाँ हम एथिल ब्रोमाइड युक्त करें और इसकी अभिक्रिया जलीय क्यूएच से कराएं तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर एथेनॉल प्राप्त होता है। और यदि यहाँ द्वितीयक एल्किल हैलाइड युक्त करें, इसकी अभिक्रिया जलीय क्यूएच से कराएं तो हमें यहाँ एल्कोहल के साथ साथ एल्किन भी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया एल्केनल और एल्केनॉन के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक और कीटोन के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। विभिन्न अपचायकों का प्रयोग किया जाता है, वे निम्न प्रकार है। प्रथम उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, निकल प्लेटिनम या प्लेडियम की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक की क्रिया आण्विक हाइड्रोजन से करवाते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड जो है इसका अपचयन निकल की उपस्थिति में होने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं और कीटोन के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 से एफचेन द्वारा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग शुष्क डाई एथिल ईथर अथवा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन TFF में किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल और जल के साथ इसकी अभिक्रिया बहुत ही प्रचंड अभिक्रिया होती है। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राइमरी अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, और जब कीटोन की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराती है तो हमें यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। धातु हाइड्राइड विशिष्ट अपचायक होते हैं। यदि अणु में असंतृप्तता है, जैसे डबल बॉन्ड है, तो इन समूह का अपचयन नहीं होता है। जैसे हम इस उदाहरण में देख रहे हैं, ट्यूब ब्यूटेनल से हमें यहाँ 2-in-1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, धातु विलायक निकाय। सोडियम धातु का एथेनॉल निकाय लेकर कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यहाँ एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, Na(C2H5OH) की उपस्थिति में तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, और कीटोन के अपचयन से यहाँ में द्वितीयक एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन Na(C2H5OH) की उपस्थिति में कराते हैं तो इसको बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया एस्टर के जल अपघटन से। अकार्बनिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एस्टर का जल अपघटन हो जाता है और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अम्ल प्रयोग की पुष्टि में, तो यहाँ हमें उत्पाद के रूप में एल्कोहल और अम्ल एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया प्राथमिक एमीन द्वारा। नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया जब प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो हमें यहाँ मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि ये RnH2 है, यहाँ पर प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा। इस विधि द्वारा बहुत से एल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है। इसका मुख्य प्रयोग एथेनॉल एथिल एल्कोहल के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। इसके लिए मोलेसेज या सिरे का प्रयोग किया जाता है। सिरे में इतना जल मिलाते हैं कि उसमें शक्कर 10% रह जाए, तब इसे उबालने के पश्चात अम्ल मिलाकर के इसका पीएच तैयार कर देते हैं और इस विलयन को वार्ट कहते हैं। इसमें यीस्ट को मिलाकर बड़ी टंकियों में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं। किण्वन में कुछ मुख्य अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं, जिसमें प्रमुख अभिक्रिया ये है कि मोलेसेज का सुक्रोज का यीस्ट एंजाइम इनोटेज की अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में वियोजन हो जाता है। सुक्रोज है वो इनोटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में वियोजित हो जाता है, और ये ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। तो ये एल्कोहल बनाने की कुछ विधियाँ थी जिनका हमने अध्ययन किया। थैंक यू।